दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में यातायात की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि नाला पर या सड़क के किनारे अस्थायी दुकानदार अपनी रोजी रोटी जीवन यापन के लिए वहां दुकान करते हैं। खैर, रोजी रोटी के लिए अपना दुकान करते हैं यह तो ठीक बात है, लेकिन जिस कारण शहर में जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दरभंगा नगर निगम प्रशासन और यातायात थाना के द्वारा शहर में लगातार यह अभियान चलाकर जो अस्थायी दुकानदार हैं जो सड़क के किनारे या नाला पर अतिक्रमण किए हुए वही खाली कराया जाता है। लेकिन दिन में तो प्रशासन का बुलडोजर चलता है, निगम प्रशासन का बुलडोजर चलता है, लेकिन शाम होते होते स्थिति वही हो जाती है। एक या दो दिन के बाद अगर आप वहां मुआयना करेंगे तो आपको लगेगा कि जहां दो दिन पहले सन्नाटा था वहां पुनः दुकान लग गया। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है? जब तक निगम प्रशासन के द्वारा कोई कड़ा नियम नहीं बनाया जाएगा तब तक स्थिति वही रहेगी। आज एक जगह से अतिक्रमण हटाया जाता है तो कल दूसरे जगह लग जाता है, कल दूसरे जगह से अतिक्रमण हटाता है तो तीसरे जगह फिर वहीं अतिक्रमण लग जाता है। इसके लिए निगम प्रशासन को कड़े नियम बनाने होंगे। आपको बताते चले कि नगर निगम के द्वारा आज दरभंगा में दो जगह अतिक्रमण खाली कराया गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के और लहरिया सराय हजमा चौराहा के पास अतिक्रमण खाली कराया गया। के पास नगर निगम का चला बुलडोजर दर्जनों जो अस्थाई दुकानदार दुकान किए हुए थे, जो अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें हटा दिया गया। यहां तक तो ठीक है, निगम प्रशासन का यह कार्रवाई है, लेकिन जो अस्थाई अतिक्रमण किए हुए हैं दुकान में कम और सड़क पर सामान रख के जो बेचते हैं उस पर तो निगम प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलता है। कहीं ना कहीं निगम प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें नोटिस दे और नोटिस के बाद अगर वो खाली नहीं करते हैं तो उन पर जो कानूनी संगत कार्रवाई है वो कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना रोजी रोटी उस दुकान से चलाते हैं उनका तो निगम प्रशासन का बुलडोजर चलता है, लेकिन अस्थायी दुकानदार जो हैं उन पर निगम प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलता है। आज दिन में दो जगह निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को खाली कराया गया, लेकिन अब दो दिन के बाद अगर आप जाएंगे तो स्थिति जो दो दिन पहले थी वो दो दिन के बाद स्थिति वहां वही हो जाएगी। निगम प्रशासन को चाहिए कि वहां एक बोर्ड लगा दें कि निगम प्रशासन के द्वारा हटाया गया अतिक्रमण पर अगर लोग पुनः अतिक्रमण करते हैं जो नियम संगत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण स्थिति वही हो जाता है। निगम प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होती है वो स्थिति पुनः वही हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई होती है ये अगर निगम निरंतर चलता रहे शहर में तो शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज एक एरिया में तो कल दूसरे एरिया में, कल दूसरे एरिया में तो परसों तीसरे एरिया में। कारण यह होता है कि पुनः वहां अतिक्रमण लग जाता है। जब तक अस्थाई समाधान नहीं होगा इसी तरह निगम प्रशासन का चलेगा बुलडोजर और दो दिन के बाद स्थिति वही हो जाएगी। दृश्य देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से आज कार्रवाई हुई यह निरंतर अगर चलता रहे, नियम संगत कार्रवाई उस दुकानदार पर हो जो अस्थाई और अस्थाई दुकान लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सर शहर में दिखेगा। लेकिन अब देखना है कि इसका क्या परिणाम होता है, लोगों को जाम से निजात मिलती है और जो अतिक्रमण किए हुए हैं वो पुनः लगाते हैं या नहीं लगा। आपको बताते चले कि आज अतिक्रमण खाली कराने के क्रम में लहरिया सराय थाना नगर निगम के धावा दल के प्रभारी संतोष झा, अनिल झा सहित अन्य कर्मचारी, बाजार शाखा के बाजार प्रभारी राजाराम के नेतृत्व में आज अतिक्रमण खाली कराया गया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा।